ये पुराना जर्जर सा दिखने वाला भवन अमेठी और गौरीगंज के मध्य में पड़ने वाले ताला खजुरी रेलवे स्टेशन के पुराने स्टेशन भवन का है। आप देख रहे हैं ताला खजुरी रेलवे स्टेशन का नया स्टेशन भवन, जिसे अभी हाल ही में तैयार किया गया है। अभी आप ताला रेलवे स्टेशन के स्टेशन भवन को सामने से देख पा रहे हैं। इसके अलावा इस रेलवे स्टेशन को दी गई सुविधाओं में प्लेटफॉर्म शेड एवं ओवर ब्रिज भी शामिल है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन, जहां पर पहले प्लेटफॉर्म भी नहीं हुआ करता था, आज वहां पर प्लेटफॉर्म है। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के बैठने हेतु शेड बनाया गया है। इसके अलावा एक नया रेलवे स्टेशन भवन तथा एक ओवर ब्रिज भी बना दिया गया है। नए भवन का अंदर से दिखाया गया दृश्य, नया स्टेशन भवन पहले की अपेक्षा अधिक अच्छा एवं लंबा बनाया गया है। कमरों के आकार बड़े हैं तथा और कई नए कक्ष जोड़े गए हैं। आपको बता दें कि रेलवे टिकट खिड़की भी नई ही। यहाँ का जनरेटर रूम, पुराने जनरेटर तथा पुराना रेलवे स्टेशन भवन भी यथास्थिति में बरकरार है। दोस्तों, ताला खजुरी रेलवे स्टेशन का पुराना स्टेशन भवन यही है। इसे छोटे से स्टेशन भवन में टिकट खिड़की, प्रतीक्षालय तथा स्टेशन मास्टर कक्ष हुआ करता था। प्लेटफॉर्म तो बने ही नहीं थे, और आज यदि देखें तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 1 पर प्लेटफॉर्म बना दिए गए हैं। चौंकिए मत, क्योंकि ये वही ताला खजुरी रेलवे स्टेशन है जहाँ पे महज 7 महीने पहले न प्लेटफॉर्म था, न ही रेलवे स्टेशन का नया भवन। सिर्फ एक लाइन हुआ करती थी और इलेक्ट्रिफिकेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। स्टेशन को देखकर आप चौंक जाएंगे, और शायद यदि आप आसपास के हैं तो आपको बड़ी खुशी भी होगी कि कभी भी किसी व्यक्ति ने भी इतनी जल्दी इस रेलवे स्टेशन के विकसित होने के विषय में नहीं सोचा था। की थी तो सिर्फ कल्पना, वो भी आने वाले 25 वर्षों में इस स्टेशन के विकसित होने की कल्पना लोग करते थे। हुआ कुछ यूं कि लखनऊ से प्रतापगढ़ जाने वाले रूट का दोहरीकरण हो रहा था, साथ ही साथ हो रहा था कायाकल्प उन रेलवे स्टेशन का जो इस रूट के बीच में पड़ते थे, जो जंक्शंस थे, जो माने जाने स्टेशंस थे, जो बड़े या वृहत आकार के रेलवे स्टेशन थे, उनका कायाकल्प तो लाजमी था ही। साथ ही साथ ताला खजुरी जैसे छोटे रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प किया गया रेलवे द्वारा। आपको बता दें, ताला और खजुरी दो अलग अलग गांव हैं। पश्चिमी छोर पर खजुरी गांव है तो पूर्वी छोर पर ताला गांव। अतः इस रेलवे स्टेशन का नाम ही ताला खजुरी रेलवे स्टेशन रख दिया गया। यह रेलवे स्टेशन अमेठी तथा गौरीगंज रेलवे स्टेशन के बीच में पड़ने वाला एकमात्र रेलवे स्टेशन है। यहाँ से अमेठी की दूरी तकरीबन 8 किलोमीटर तो गौरीगंज की दूरी तकरीबन 7 किलोमीटर पड़ती है। जिस हिसाब से ये नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है, जिस हिसाब से यहाँ का कायाकल्प किया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भविष्य में यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ रुकेगी और जो रेल माध्यम से यात्रा करने का प्रतिशत भी बढ़ जाएगा। लोगों में ये आदत पड़ जाएगी कि वे रेल से यात्रा करें, जिससे उनके धन एवं समय की भी बचत होगी। अभी तक इस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म ही नहीं था, तो प्लेटफॉर्म सेट होने की बात कहाँ से आई। एक और बेनिफिट ये भी हुआ है कि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म सेट भी बना दिया गया है, वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। यहाँ पर कुल 4 लाइनें हैं, 2 लाइनें रुकने के लिए तो 2 लाइनें बाईपास के लिए। ये ओवर ब्रिज जो आप देख रहे हैं, पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर आने जाने हेतु लोग रिस्क उठाकर ही एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज यह रेलवे स्टेशन पूर्णतः सुसज्जित है एक ओवर ब्रिज से, जिससे यात्री इस दिशा से उस दिशा पर आसानी से जा सकें। प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पर्याप्त है, जिससे कोई भी यहाँ पर आराम से खड़ी हो सकती है। और प्लेटफॉर्म की लंबाई से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भविष्य में यहाँ पर रुकने वाली गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होगी। फिलहाल अभी इस रूट पर इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल मात्र हुआ है। अभी तक इलेक्ट्रिक इंजन या इलेक्ट्रिक रेलगाड़ियाँ इस रूट पर अभी दौड़ती नहीं हैं। अतः जो छोटे और बचे खुचे काम हैं, वो रेलवे विभाग लगातार बड़ी ही तेज़ी के साथ कर रहा है। पहले की अपेक्षा अब स्टेशन के आसपास जंगलों की मात्रा में कमी हो गई है,
जिससे लोगों को आने जाने में हिचक नहीं होती। वरना आज के कुछ साल पहले तो लोग स्टेशन पर आने में भी डरते थे, खासकर इन जंगलों की वजह से ये स्टेशन काफ़ी सुनसान रहता था। तुम्हारे आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, मैं हूँ शिवम शुक्ला, जो आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियोज़ लाता रहता हूँ।